हाल ही में मुंबई में हुए फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में बॉलीवुड सेलेब्स का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला। स्टार्स अपने सुपर स्टाइल स्टेटमेंट के साथ रेड कार्पेट पर पहुंचे। इस खास मौके पर अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, कृति सेनन, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना जैसे कई और बॉलीवुड स्टार्स ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे। अवार्ड सेरेमनी के दौरान अनुष्का शर्मा को मोस्ट ग्लैमरस फीमेल स्टार चुना गया, आलिया भट्ट को मोस्ट स्टाइलिश फीमेल स्टार का अवार्ड दिया गया, तो वहीं वरुण धवन ने मोस्ट ग्लैमरस मेल स्टार और आयुष्मान खुराना ने मोस्ट स्टाइलिश मेल स्टार की ट्रॉफी अपने नाम की। इस खास मौके पर सारे स्टार एक से बढ़कर एक स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। बात करें अनुष्का शर्मा की, तो अनुष्का इस खास इवेंट पर क्रीम कलर की पफ स्लीव्स ड्रेस पहनी थी, जिसमें अनुष्का काफी हॉट लग रही थी। अनुष्का ने अपने इस खास डे लुक की कई पिक्चर्स को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अपने इस लुक के साथ अनुष्का ने स्मोकी आईज, न्यूड लिपस्टिक और बालों को स्ट्रेट किया हुआ था। वहीं ज्वेलरी में खूबसूरत हुक्स पहने हुए थे। इस लुक में अनुष्का काफी स्टाइलिश नजर आई। वहीं आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ नजर आई। आलिया बेबी पिंक डीप नेक और ब्लैक थाई हाई स्लिट ड्रेस में नजर आई, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं वरुण धवन आलिया के साथ पोज दे काफी जच रहे थे। इस अवार्ड नाइट में जहां कुछ एक्ट्रेस ने अपनी बोल्डनेस का जादू बिखेरा, तो वहीं कुछ अपने लुक को लेकर ट्रॉल भी हो गए। बात करें मलाइका अरोड़ा की, तो मलाइका मिरर वर्क शेयर गाउन में काफी बोल्ड लग रही थी। मलाइका अरोड़ा अपने फिटनेस और लुक्स के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। इसी कारण फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2019 में उन्हें डीवा ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। अपने उस लुक के साथ मलाइका ने मिनिमल मेकअप और ग्लॉसी लिपस्टिक के साथ पोनीटेल पर आई हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आई। मलाइका जैसे ही रेड कार्पेट में पहुंची, हर किसी की निगाहें उन्हीं पर जाकर टिकी। वहीं चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का भी बोल्ड अवतार देखने को मिला। अनन्या की ड्रेस तो काफी खूबसूरत और सेक्सी थी, लेकिन उनका हेयर स्टाइल खास इम्प्रेशन नहीं जमा पाया, जिसकी वजह से अनन्या को काफी ट्रॉल किया गया। अनन्या को इस खास इवेंट में इमरजाइन फेस ऑफ फैशन यानी फैशन का उभरता हुआ चेहरा अवार्ड से नवाजा गया। बात करें कियारा की, तो कियारा आडवाणी अपने लुक्स के कारण जानी जाती है। कियारा को हॉट स्टेपर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। कियारा के लुक की बात करें, तो कियारा ने येलो कलर का गाउन पहना हुआ था। इस लुक के साथ कियारा ने लाइट मेकअप, स्मोकी आईज के साथ बालों को ओपन रखा था। कियारा के इस लुक की बात करें, तो उन पर ये गाउन ज्यादा नहीं जच रहा था, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। वही टीवी से बॉलीवुड में अपनी चमक बिखेरने वाली मौनी राय रेड कार्पेट में बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आई। मौनी ने डीप नेक रेड कलर का शिमरी गाउन पहना था। इस लुक के साथ मौनी लाइट मेकअप, न्यूड लिपस्टिक के साथ बालों को कर्ली की हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही रकुल के लुक की बात करें, तो उन्होंने डेनी अट्रैच काउंटर से डीप नेक फ्लोरल पीच कलर का नेक गाउन पहना हुआ था। इनके लुक को काफी पसंद किया गया। वहीं कृति सेनन अपनी बहन नुपुर के साथ इवेंट में पहुंची थी, जहां दोनों बहनें काफी हॉट अवतार में नजर आई। साथ ही सनी लियोन नीले रंग की ड्रेस में कैमरे को पोज देती हुई दिखी, जो काफी ग्लैमर लग रही थी। डायना पेंटी पिंक अलीना अनवर की ड्रेस में दिखी, जिस वजह से डायना को काफी ट्रॉल किया गया। तो इस खास इवेंट पर बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने फैशन से फैंस को इम्प्रेस किया। किसी के स्टाइल की हुई तारीफ, तो कई स्टार्स में अपने फैशन सेंस में फेल।